देवताओं का अभिषेक करवाएंगे, सुबह 6 बजे उठकर आश्रम करके गंधा आरती आदि सब करके फिर यहाँ आएंगे। यहाँ आने के बाद कल पहले पहले आप ये बात करेंगे कि 16 माला गुरु मंत्र का जप करेंगे और आप यहाँ आके बैठेंगे। फिर यहाँ अपने पास जितने भी गुरु यंत्र और गुरु पादुकाएं जो गुरु ने स्वयं अपने चरणों में पहनकर पानीपत की गुरु पूर्णिमा में मुझे प्रदान किए थे, उस गुरु पूर्णिमा का कल आप सभी से अभिषेक करवाऊंगा। और गुरु पूर्णिमा का उसका अभिषेक के बाद मैं उन पादुकाओं को आपको आपके सर पर रखने के लिए दूंगा जो गुरु पादुका सिद्धि या गुरु पूर्णिमा पर विशेष सिद्धि कही गई है उसको दूंगा। और अगर गुरु जी चाहे या गुरु जी कहे तो उस गुरु पूर्णिमा की कल विशेष साधना जिसके ऊपर गुरुमंडल गर्व करता है आपके जीवन पर और आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिले, ऐसी ही साधना कल गुरु पूर्णिमा को आपके लिए करवाऊंगा। आप सभी से निवेदन है कि आश्रम वासियों से मिलकर आप सब लोग जितने भी आश्रम में देवता हैं उन देवताओं का 6 से 7 बजे में आप अभिषेक करेंगे, उसको धोएंगे, पोछेंगे, पुष्पहार चढ़ाएंगे, अष्टोत्तर करेंगे और नैवेद्य चढ़ाएंगे। ये नहीं उसके लिए झगड़ा करना कोई बात नहीं है, सब लोग बढ़ जाओ 10-10 लेकर। क्यों कह रहा हूँ कि आपका कल का गुरु पूजन गुरु पादुकाओं पर आपका सर रखना भी आपके लिए श्रेष्ठ विद्या और श्रेष्ठ साधना और श्रेष्ठ सफलता सिद्धि प्रदान करने वाला कह जाएगा। आज गुरुजी ने जिस दिन मुझे उन पादुकाओं को मैं लेकर गया था पानीपत के शिविर में और गुरुजी के चरणों में अर्पित करना चाहता था, वो चांदी की पादुकाएं थी। गुरुजी ने देखा और कहा जोशी की पादुकाएं वहां से लाए, हाँ। तो गुरुजी पहने और उसके ऊपर उन्होंने मंत्र बुलाया और कहा कि उसके ऊपर पुष्प चढ़ा, मैंने चढ़ाए। गुरुजी बहुत देर तक उन पादुकाओं को अपने पांव में पहन कर रहे और कहा कि जोशी इन पादुकाओं को ये तेरी धरोहर है, आने वाले पीढ़ियों के लिए ये पादुका काम करेंगे, इन पादुकाओं को सर पे रखकर इन पादुकाओं को तो सर पे रखकर तुझे हैदराबाद ले जाना है। और वो पादुका आज भी मेरे घर में वास है और मैं कहता हूँ उन पादुकाओं की शक्ति है, गुरु पादुकाओं की शक्ति जो आज मेरे साथ काम कर रही है और आप सब है, उन्हीं पादुकाओं का कल अभिषेक होगा। और उन पादुकाओं के ऊपर गुरु जी ने जो विशेष साधना दी थी, जो गुरु कृपा दी थी, वो साधना मैं तुम्हें कल सुबह अभिषेक के बाद करवाऊंगा और आपके सर के ऊपर उन पादुकाओं को आपके सर के ऊपर रखकर वह श्रेष्ठ साधना आपके यहाँ से गुरु पूर्णिमा के इस भव्य और दिव्य दिवस के दिन करवाऊंगा। गुरुमंडल की सिद्धाश्रम की योगियों से प्रार्थना करूंगा कि हम सब पर आप वैसी ही विशेष कृपा करें और आशीर्वाद दें कि हम सिद्धाश्रम तक पहुंच सके। हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी जहाँ संचालक बनकर भी काम करें और जहाँ है जहाँ रहते हैं और जिन्होंने सिद्धाश्रम का मार्ग बताया है, हम वहाँ आने के लिए आप किसी प्रकार का अड़चन निर्माण करते न करते हुए आप उन पर आशीर्वाद प्रदान करें और हमें सामर्थ्यवान बनाए, ऐसी प्रार्थना कल गुरु पूर्णिमा के दिन करेंगे। वो विशेष साधना जिसके ऊपर कहा जाता है कि विशेष मंत्र से उन गुरु पादुकाओं के ऊपर जो 11 बिल्व चढ़ाता है और उस 11 बिल्वों को अपने घर में रखकर किसी भी रोग के निवारण के लिए और भाग्य के लिए उन बिल्व पत्रों को अपने घर में रखकर उसके पाउडर को या उस पत्तों को खा लेता है, उसके जीवन में उसके शरीर में किसी प्रकार का भी रोग हो वो कम होता है। वो पादुकाएं गुरु जी स्वयं अपने चरणों में पहनकर मुझे दिए थे और मुझे गर्व है कि मैं उन पादुकाओं को मेरे घर में रखकर आज तक भी अनुभव करता हूँ कि मेरे शिष्य या सिद्धाश्रम के योगी या आश्रम में रहने वाले इतना कोविड का 2 साल का समय नजदीक गुजरा लेकिन किसी को किसी प्रकार का आया हुआ किसी को भी इफेक्ट नहीं हुआ। वो गुरु पादुकाओं की शक्ति है, उन गुरु पादुकाओं के और मैं आपको कहता हूँ कि 11 किलो ऐसे इसीलिए मैंने यहाँ बिलों के इतने झाड़ लगाए हैं कि कम से कम हमारे आश्रम में 108 बिलों पत्र के झाड़ होंगे। मैं ये नहीं कहता कि केवल 11 बिल्व पत्र आप कल पूर्ण अभिषेक होने के बाद उन पादुकाओं को चढ़ाकर आपके सर पे रखते हैं और उन 11 बिल्वों को आप आपके साथ घर ले जाते हैं तो किसी भी प्रकार की बीमारी हो वो आपको उस विशेष मंत्रों के साथ वो बीमारी आपके अब तक छुएगी नहीं, अगर आएगी भी तो चली जाएगी। ऐसी साधना कल गुरु पूर्णिमा के दिन दिव्य दिन मैंने आप यहाँ एक विशेष साधना कल करवाकर गुरु पूर्णिमा की का समापन करूंगा और इसके लिए आप सभी को आशीर्वाद देता हूं कि आप इस कार्य में सहयोगी हो, सहकारी हो और गुरु को कृपा प्राप्त करें, गुरु जी की सत्कृपा प्राप्त करें और आगे जीवन को दिव्य और भव्य बनाएं, ऐसी ही आशा रखता हूं। आप सभी को जैसे मैंने कहा है कि कल सुबह 6 बजे उठने के बाद आप मंदिरों में जाकर जहाँ यहाँ यहाँ मंदिर में पूजा करने वाले उनकी आज्ञा लेकर सारी भगवान को अच्छी तरह धोकर पोंछ कर गंधादि पुष्प से उनकी पूजा करते हुए अष्टोत्र कर आरती कर यहाँ आकर बैठेंगे और उसके बाद 16 माला गुरु मंत्र जप करेंगे। तब तक मैं मेरे पास जो गुरु पादुकाएं हैं और जो गुरु जी का विग्रह है उसका अभिषेक यहीं करने, दूध के साथ अभिषेक करने के लिए मैंने कहा है, उस अभिषेक की मूर्ति को यहाँ लाऊंगा। अभिषेक होने के बाद उन पादुकाओं को
और पीलिए रखूंगा और वो पवित्रताएं आप लेकर उसके ऊपर आप उसका सर रखकर आप उस दिव्य अनुभूति को अनुभव करें जो मैंने अनुभव किया है। आपको चाहता हूं कि वो सारी दिव्य अनुभूति और आपकी विशेषता आपके जीवन में हो, ऐसा ही आशीर्वाद देता हुआ मैं यह कि आज का यह दूसरे दिन का कार्यक्रम यहाँ समापन करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि हम जिस वर्षा में आज भीग रहे हैं ये पहली बार नहीं है, मेरे पूरे 22 साल में इसमें हर 6 साल को एक बार ये वर्षा आती है और हम इसी तरह भीगते हुए ही गुरु पूर्णिमा के दिन होते हैं। मैंने अगर आपको असुविधा दी है तो मैं इससे ज़्यादा नहीं करता, बहुत प्रयत्न किया हूँ कि आपको सोने के लिए रहने के लिए बहुत सारी सुविधा दूँ और सब किया हूँ, लेकिन शायद आप फिर भी किसी प्रकार की असुविधा अगर आप जानते हैं तो ये अब इसके बारे में इसके ज़्यादा मैं कुछ नहीं करता। आपको भोजन में, रहने में, सोने में कोई भी असुविधा हो तो यह समझकर बड़ा दिल करना कि हम हमारे घर में आए हैं, अगर और अच्छा दिन हो तो ज़रूर इसको एक बड़े भवन में प्रवेश भी करूँगा, आपको रहने के लिए और भी सुविधाजन्य कार्यक्रम बनाऊँगा। अगर गुरु जी का मंदिर बने और गुरु पूर्णिमा के दिन हम जब आएंगे तो अच्छे महल में रहे ऐसा ही महल मांगूंगा, इसे आशा रखता हूँ। मैं आपको असुविधा प्रदान नहीं करना चाहता, आपको जीवन में वही सुविधा देना चाहता हूँ जो आप अनुभव करें और ये कहे कि हम घर में भी गुरु जी ऐसा हमने जीवन या रहने के लिए हमने नहीं सोचा। जब यहाँ आते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, हमारा खाना पीना सोना सब, आप ऐसा जिस दिन कहते हैं मुझे बहुत संतुष्टि प्रसन्नता होगी कि आप यहाँ आए हैं और ये प्रसन्नता के साथ कहें। लेकिन अगर आप गलती से भी ये कह जाते हैं गुरु जी हमें हम यहाँ बहुत असुविधा अनुभव कर रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर बारिश नहीं होती तो और भी अच्छा कर सकता था, लेकिन उस बारिश का अनुभव मैं भी कर रहा हूँ और आप भी कर रहे हैं। और दूसरी जगह पूरे भारत में देखा जाए तो मुंबई से लेकर नागपुर से 70 वर्षा का यही हाल है, सारे प्रोजेक्ट खोल लिए गए हैं फिर भी हम यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं तो हम एक तरह से हम पूरे सुरक्षा में हैं और ऐसा ही रहना चाहिए, यही आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही रहें। और मैंने जैसे आपको कहा है अगर आपकी इच्छा है तो आप लक्ष्मी यक्षिणी यंत्र आपके पास रख लें, मैं कल सुबह गुरु का पूजन करने के लिए आपको आह्वानित करता हूँ, आपको आपको चाहता हूँ कि आप इस गुरु पूर्णिमा के दिव्य भाव को अपने दिल में रखकर कल सुबह पूर्ण भाव के साथ पूर्ण शक्ति के साथ 16 माला गुरु मंत्र जप करके आप यहाँ आएंगे और इस साधना को संपन्न करेंगे और यहाँ सत्य है आप आनंद के साथ यहाँ से जाएंगे और उस आनंद के साथ ही मेरे पास हर बार आनंद के साथ ही आएंगे, ऐसी आशा रखता हुआ यहाँ आज का दिन ये समापन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को वो श्रेष्ठता प्राप्त हो। सतीश एक चैतन्यवान अच्छा भजन सुना दे और उसके बाद हम जय घोष करके आज का दिन समापन करते हैं। आप एक भजन सुना दो और सभी लोग एक बार उठ के खड़े होकर गुरु जी का ध्यान और हम चैतन्यवान है सोए नहीं बैठे बैठे सो रहे होंगे ऐसा मुझे